नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बनाएंगे मखाना पाव, जो कि बहुत ही कम सामान से और बहुत जल्द बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई गरम करके उसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी ले लेंगे। अब इसमें 2 कप मखाने और सूखा नारियल को मैंने इस तरह से लंबा पतला काट कर इसमें डाल दिया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको भूनेंगे। अच्छे से क्रिस्प होने तक हमें मखानों को भूनना है, नहीं तो जब हम इसको शुगर सिरप में डालेंगे ये नरम पड़ जाएंगे। मखाना अच्छे से क्रिस्प बन चुके हैं। अब इसको एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में 2/3 कप चीनी और 1/2 कप पानी ले लेंगे। चीनी घुलने तक हम इसको मिलाएंगे। चीनी घुल जाने के बाद हम इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते जाएंगे। हमें एक तरह की चाशनी बनानी है। थोड़ा सा चाशनी एक प्लेट के ऊपर ले लेंगे और इसको हम चेक करेंगे। ये देखिए, चाशनी एक तरह का बन चुका है। अब इसमें हम मखानों को डाल देंगे और चाशनी सूखने तक हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। 1 से 2 मिनट में ही पूरा चाशनी सूख जाएगा और हमारे मखाने के ऊपर कोट हो जाएगा। ये देखिए, चाशनी एकदम सूख चुका है और हमारा मखाना पाव तैयार हो गया है। बहुत जल्द ये प्रसाद तैयार हो जाता है। अब इसको हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।